नमस्कार, द सिस्टम फाइल्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, मैं हूं अविनाश वसन। जम्मू कश्मीर में मौसम विज्ञान की तरफ से 26 जुलाई को एक अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले 24 घंटों में एक भयानक बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 27 जुलाई देर रात से ही जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। बात कश्मीर की करें, पुंछ की करें, जम्मू की करें, डोडा किश्तवाड़ की करें या फिर कठुआ की करें, तो हर तरफ जो बारिश थी, एक भयंकर मूसलाधार बारिश जो थी वो देखने को मिली है। इस भयंकर बारिश के चलते सड़कें व यातायात भी अविरुद्ध हुआ है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्र राजमार्ग फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं अगर बात अमरनाथ यात्रा की जाए तो फिलहाल के लिए अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर बात कठुआ पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की जाए तो हाल्टी मोड़ के नज़दीक एक कार और स्कूल बस जो थी वो बाढ़ में फंसी हुई नज़र आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से इस कार और स्कूल बस को निकाला गया। हुए जिला प्रशासन रामबन, पुंछ, किश्तवाड़ द्वारा तमाम स्कूलों सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने की हिदायतें दी गई हैं। इसी मौसम के मिजाज के चलते जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में नदी नालों में एक उफान देखने को मिला, जिसके चलते कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया और कुछ एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई। के किनारे ना जाएं, चिनाब का जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। कृपया घरों में रहें, चिनाब के किनारे ना जाएं। यदि कोई जरूरी काम है तभी जाएं, अन्यथा घर पे रहें। धन्यवाद। बात अगर चिनाब दरिया की जाए तो जल स्तर खतरे के आंकड़ों को पार कर चुका है और 3 फीट जो पानी है वो बढ़ चुका है और 35 फीट के करीब इस वक्त जो चिनाब दरिया का जलस्तर है वो बताया जा रहा है, जिसके चलते चिनाब के सटे इलाके कानाचक, गढ़खाल, परग्वाल की बात करें तो इन एरियाज में खतरा मंडराना शुरू हो गया है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव देना ना भूलें। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें द सिस्टम फाइल्स के साथ। धन्यवाद।